गुजरात बनाना है ना, 46 इंच का सीना लगता है। हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं, मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। मोदी ने वैसे तो अपने भाषणों में कई बार कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी को निशाना बनाया है, लेकिन उन्होंने देश पर मरने की हुंकार कैसे भरी, ये अब आपको दिखाते हैं। पर इतनी अमरनाथ की यात्रा पर इतने हमले हुए, इस देश में किसी ने कहीं कंकर तक फेंका नहीं मित्रों। अमरनाथ की यात्रा पर इतने हमले हुए, इस देश में किसी ने कोई कंकर तक फेंका नहीं है। रघुनाथ जी के मंदिर पर हमला हुआ, इस देश के अंदर किसी का घर नहीं जलाया गया था। अयोध्या में प्रभु राम जी के मंदिर पर हमला हो गया, वाराणसी में हमला हो गया, इस देश में कंकर नहीं गिरा है मित्रों। गुजरात के अंदर अक्षरधाम पर आतंकवादी आए थे मित्रों, गुजरात ने बंद रखा था, लेकिन गुजरात में अक्षरधाम के बाद एक कंकर तक नहीं पड़ा है। लेकिन कुछ लोग हैं इन चीजों को भूल जाना चाहते हैं, सच्चाई को उजागर करने की उनकी हिम्मत नहीं है मित्रों, और इसलिए झूठी बातों को लेकर के हिंदुस्तान की जनता को गुमराह करने में लगे हुए। और इसलिए मैं कहता था मित्रों, इस देश में एक विदेशों के पैसों से पला हुआ एक 5 स्टार एक्टिविस्टों का वर्ग है, जिसको जिसकी हर गतिविधि को चौंक करके देख लीजिए। उनका काम यही होता है, कोई भी घटना घटे तो आतंकवादियों को बौद्धिक प्रोटेक्शन के दिए वो मैदान में उतर आते हैं। आतंकवाद के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, वो जैसे देश का दुश्मन है, कॉम्बिनर है, हिटलर है, न जाने कौन कौन से डिक्शनरी के शब्द हैं, उसको निकाल के आते हैं। मित्रों, वो डरते हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो वो इंसान हूं जो इंसान की हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं, मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं। मैंने पहले कहा था हम एक स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, एकता का स्मारक बनाने जा रहे हैं। आज दुनिया का सबसे ऊंचा जो स्मारक है वो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी है। हम जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले हैं वो उससे डबल है मित्रों। हिंदुस्तान इतना बड़ा देश है, इतना पुरातन देश है, हम छोटा क्यों सोचते। विश्व के सामने सीना तान करके खड़े रहने का सामर्थ्य होना चाहिए, ये हर चीज में दिखाई देना चाहिए, उस स्टेच्यू में भी नजर आए। मुझे चिंता हो रही है कि हमारे देश का एक तबका और ज्यादातर राजनीतिक दुनिया के लोग, उनके दिमाग में हमारे देश का युवा ये सिर्फ न्यू एज वोटर है, और अगर यही सोच रही, मैं नहीं मानता हूं कि हम स्थितियों को पलट सकते हैं। अब किराना कौन बेचेगा? विदेशी लोग। चाय कौन बेचेगा? विदेशी। चावल कौन बेचेगा? विदेशी। गेहूं कौन बेचेगा? हल्दी कौन बेचेगा? मिर्ची कौन बेचेगा? इसके लिए विदेशियों के लिए दरवाजे खोल दिए, हमारे देश के छोटे छोटे व्यापारियों की दुकानों पे ताले लग जाएंगे मित्रों। ये निर्णय दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने किया है। दूसरा निर्णय किया है मल्टी ब्रांड, उसके लिए भी उन्होंने दरवाजे खोल दिए हैं। आप कल्पना कर सकते हो कि भावनगर के अंदर अगर 2-4 कारीगर हैं, वो बेचारे छाता बनाते हैं और छाता बना करके बेचते हैं, उनकी रोजी रोटी चलती है। अगर विदेश से चाइनीज बनावट का छाता यहां आ गया तो यहां जो छाता बनाता है वो बिकेगा, उसकी कारखाना चलेगा, उसके यहां नौकरी करने वाले 5-15 लोगों को रोजगारी जाएगी। बताइए, ये निर्णय हुआ है। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री के कल के निर्णय के कारण छोटे छोटे कारखाने बंद हो जाएंगे,
क्योंकि वो जो उत्पादन करते हैं उससे सस्ती चीजें दुनिया के देश यहां पटक देंगे और यहां का माल बिकेगा नहीं, वो कारखाने बंद हो जाएंगे और नौजवान आप लोग बेरोजगार हो जाओगे। आपको तलाशने पर भी कहीं पर नौकरी नहीं मिलेगी, ये पाप उन्होंने किया है। और दूसरा, किराने के व्यापार में विदेश को ला करके छोटे छोटे किराने के व्यापारियों की दुकानों को ताला लगा दिया गया है। और प्रधानमंत्री, पिछले 8 साल में मैंने प्रधानमंत्री को रीढ़ की हड्डी ऊंची करके थोड़ा सर खड़ा करके बोलते हुए देखा 2 बार, सिर्फ 8 साल में 2 बार, और वो भी मीडिया ने भी लिखा मनमोहन सिंह सिंगम हो गए, सिंगम। वो दो कौन सी घटनाएं हैं? एक बार जब अमेरिका के साथ न्यूक्लियर की ट्रीटी कर रहे थे और उनके सारे साथी दल विरोध कर रहे थे, जब भ्रष्टाचार की बात आती है तो वो कहते हैं कि एक कोएलिशन का धर्म मुझे मजबूर करता है कि मैं कुछ नहीं कर पाता हूं। ये छोटे छोटे दलों के दबाव के कारण मैं कुछ कर नहीं पाता हूं, लेकिन जब अमेरिका की ट्रीटी की बात आई तो उन्होंने कहा मेरी सरकार जानी है तो जाए, ये काम मैं करके रहूंगा। उसी प्रकार से दूसरा, वो भी विदेशियों के लिए उन्होंने किया कि अगर विदेशियों को कुछ हिंदुस्तान पर कब्जा करना है, व्यापार रोजगार पर कब्जा करना है, तो मेरे साथी दल नाराज हो जाएंगे तो भी मैं निर्णय करूंगा। और कल तो ये भी कह दिया कि कठोर फैसले लेने पड़ेंगे और हम मरेंगे तो भी लड़ते लड़ते मरेंगे। मनमोहन सिंह जी रातों रात सिंगम हो गए। अगर गुजरात बनाना है ना, 46 इंच का सीधा लगता है। हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूं, मुझे मेरी छवि की परवाह नहीं है।